हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रॉकिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल वाला आइकन भी थोड़ा सा प्रेस करके रखना। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मैजेंटो 2.4.3 को कैसे गोडैडी का जो शेयर होस्टिंग होता है उसमें कैसे हम लोग यूज इंस्टॉल करेंगे सी पैनल यूज करके, ठीक है, और उसको पूरा सेटअप करेंगे और उसको रन करके भी देखेंगे सक्सेसफुली। ओके, तो आप लोग सीधा सीधा सी पैनल पे लॉगिन करके आ जाना, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जाएंगे इस सेक्शन पे, सॉप्टाक्लूज ऐप इंस्टॉलर। इस सेक्शन के अंदर हम लोग को मिल जाएगा एक कैटेगरी और एक सेक्शन। कैटेगरीज के अंदर हम लोग जाएंगे ई कॉमर्स बोल के और एक टैब मिलेगा, मतलब एक सेक्शन मिलेगा। इस यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे ई कॉमर्स आइकन के ऊपर। इसके बाद हम लोग मैजेंटो को यहाँ से सर्च कर लेंगे। थोड़ा नीचे आना है, यहाँ से देखो हम लोग को मिल गया मैजेंटो। तो फिर से हम लोग क्लिक करेंगे मैजेंटो आइकन के ऊपर। ओके, इसके बाद यहाँ से हम लोग कुछ सेटिंग्स वगैरह करना होगा हम लोग को। चूज प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल हम लोग HTTPS क्लोन /www चूज करते हैं। उसके बाद पहले हम लोग वर्जन को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से 2.4.3 को सिलेक्ट करते हैं। देन हम लोग डोमेन सिलेक्ट करेंगे, कौन सा डोमेन के अंदर हम लोग मैजेंटो को इंस्टॉल करेंगे। तो क्लिक करते हैं mysmartcoupon.in, इसके अंदर हम लोग मैजेंटो को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इन डायरेक्टरी, डायरेक्टरी कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, रहेगा तो आप लोग डिलीट कर लेना। के बाद क्रॉन जॉब के अभी कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद साइट सेटिंग्स, एडमिन पाथ, एडमिन पाथ हम लोग सिर्फ एडमिन रखेंगे, ठीक है, सैंपल डेटा नहीं चाहिए अभी हम लोग को। उसके बाद एडमिन अकाउंट, मैजेंटो का जो एडमिन डैशबोर्ड होता है उसका यूजर नेम और पासवर्ड यहां पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो एडमिन का जो यूजर नेम एडमिन ही रखते हैं। उसके बाद एडमिन का पासवर्ड हम लोग यहाँ से इसको चेंज करते हैं, बट एडमिन @#12345 इसको हम लोग किसी भी एक जगह नोट करके रखते हैं, ठीक है, कॉपी करते हैं हम लोग इसको एक नोट पैड में कॉपी करके रखते हैं, ठीक है। तो यूजर नेम एडमिन था और पासवर्ड @admin1234, ठीक है। फिर से ब्राउजर में जाते हैं और यहाँ से हम लोग फर्स्ट नेम यहाँ से हम लोग डालते हैं रॉकिंग, चलो लास्ट नेम CoWPORT सपोर्ट डालते हैं। उसके बाद एडमिन ईमेल आईडी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग का जो एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी है उसी को यहाँ पर डालना होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब मैजेंटो का जो डैशबोर्ड में जब हम लोग लॉगिन करेंगे तब उस ईमेल पर आईडी पे एक वेरिफिकेशन मेल जाएगा, ठीक है। उसके बाद वहां से टू वे ऑथेंटिकेशन रहता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ईमेल आईडी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला ही ईमेल आईडी यहाँ पर यूज करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी एक ईमेल आईडी बना के रखे हैं business@mysmartcoupon.in, इसको बना के रखे थे, इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर तो डाल देंगे, ठीक है, आप लोग क्रिएट करके रखना, ठीक है, जीमेल भी दे सकते हो आप लोग, हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एडवांस ऑप्शन के अंदर कुछ नहीं अभी नहीं करेंगे हम लोग, चलो इसको हाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंस्टॉलेशन डिटेल, चलो यहाँ पर हम लोग ए वाला ही दे देते हैं, जो business@mysmartcoupon.in, ठीक है। देन हम लोग क्लिक करेंगे इंस्टॉल बटन के ऊपर, ठीक है। देन यहाँ से बोल रहे हैं टू वे ऑथेंटिकेशन के लिए आप लोग को एक ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है, इसको ओके कर दीजिए, ठीक है, ओके करना है। ओके, क्या हुआ, द फॉलोइंग एरर आर फाउंड, रिक्वायर्ड पीएचपी एक्सटेंशन नॉट फाउंड। ओके, सॉरी, सोडियम एक्सटेंशन नॉट फाउंड, सोडियम बोल के एक एक्सटेंशन रहता है तो उसको नहीं मिल रहा है यहाँ पर,
ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम लोग इसको हम लोग इनेबल करेंगे। तो क्या कैसे करेंगे, फिर से हम लोग सी पैनल पे जाएंगे। सी पैनल पे जाने के बाद हम लोग को मिल जाएगा एक सेक्शन मिल जाएगा सॉफ्टवेयर बोलते, सॉफ्टवेयर बोल के, ठीक है। उसके अंदर आप लोग को चला जाना है सिलेक्ट पीएचपी वर्जन, इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आप लोग को दूसरा सेक्शन पे भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग को जाना है सिलेक्ट पीएचपी वर्जन, इस सेक्शन इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ओके, तो करेंट वर्जन जो चल रहा है पीएचपी 7.4 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं पीएचपी का वर्जन। अभी हम लोग पीएचपी वर्जन नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, 7.4 पर ही हम लोग रखेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए था, सोडियम को इनेबल करना है, ठीक ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा सोडियम सोडियम सोडियम, हाँ यहाँ से देखो सोडियम, इसको हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक कर देंगे तो इनेबल हो गया, ठीक है, इनेबल हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग उस इंस्टॉलेशन का पेज में आएंगे, इंस्टॉलेशन पेज में आ गया, ठीक है। यहाँ से अभी जो सेटिंग्स वगैरह था वही है, कुछ चेंज वगैरह नहीं है। फिर से हम लोग इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है, देन ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखते हैं अभी होता है कि नहीं होता है। हाँ अभी इंस्टॉल आई थिंक सक्सेसफुली होगा, चलो देखते हैं। ओके, इंस्टॉल कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर यूआरएल भी हम लोग को मिल गया, चलो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब में ओपन करते हैं, ठीक है। और एडमिन को भी ओपन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ओपन क्लिक इन न्यू टैब में ओपन करते हैं इसको। ओके, फ्रंट एंड तो ओपन हो गया, फ्रंट एंड ओपन हो गया, और इसका एडमिन पैनल भी हम लोग के पास ओपन हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो आईडी यूजर नेम सेट किया था वो हो गया आपका एडमिन सेट किया था, सॉरी, कॉपी करते हैं यहाँ पर डालते हैं इसको। ओके, और पासवर्ड हम लोग सेट किया था एडमिन एट द रेट 1 2 3 4 5, मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, देन क्लिक करते हैं साइन इन बटन के ऊपर। ओके, यहाँ पे बोल दिया क्या, यू नीड टू कॉन्फिगर टू फैक्टर ऑथेंटिक ऑथराइजेशन इन ऑर्डर टू पास योर स्टोर एडमिन एरिया, एन ईमेल वाज सेंड टू यू विथ फर्दर इंस्ट्रक्शन। ओके चलो, नो प्रॉब्लम। हम लोग जो ईमेल आईडी डाले थे, ठीक है, उसके अंदर एक लिंक गया है, ठीक है। तो ईमेल आईडी हम लोग को ओपन करना होगा, ठीक है। बिजनेस एट द रेट माई स्मार्ट, यहाँ से हम लोग चेक ईमेल के ऊपर क्लिक करते हैं। ये बाद राउंड क्यू भी करते हैं। ओके, यहाँ पर देखो मेल भी आ गया 2FA, ठीक है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन के लिए। चलिए इसके ऊपर उसको ओपन करते हैं और यहाँ से लॉकिंग सपोर्ट यू रिक्वेस्ट। ओके चलो, हम लोग क्लिक हेयर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ से प्लीज सिलेक्ट वन मेथड वन मोर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ऑथेंटिकेशन। ओके चलो, हम लोग गूगल ऑथेंटिकेशन को सिलेक्ट करते हैं, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके, यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर कॉन्फिगर। ओके, ये जो यहाँ पर क्यूआर कोड है इसको स्कैन करना है, तो स्कैन करने के लिए क्या करना होगा। ओके, अभी हम लोग एक ऐप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, प्ले स्टोर में जाके हम लोग को लिखना होगा गूगल ऑथेंटिकेटर। ओके, तो ओके अभी इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे, क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन, इंस्टॉल कंप्लीट हो गया। अभी ओपन करेंगे, गेट स्टार्टेड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्कैन ए क्यूआर कोड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको व्हाइल वो फर्स्ट वाला ऑप्शन को क्लिक ऊपर क्लिक करना था, उसके बाद इस क्यूआर कोड को हम लोग अभी इंस्टॉल स्कैन करेंगे, ठीक है।
स्कैन करने के बाद आप लोग को एक कोड मिलेगा, ठीक है, 6 डिजिट का कोड मिलेगा। इस 6 डिजिट को डिजिट का कोड को यहाँ पर डालना होगा, ठीक है, ऑथेंटिकेटर कोड के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पर। उसके बाद कॉन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी सीधा सीधा डैशबोर्ड के अंदर चल जाएगा, आप लोग देखते जाओ। सक्सेसफुली हम लोग लॉगिन कर लिया। चलो अभी देखो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई 404 नहीं आ रहा है, ठीक है, सभी ठीक ठाक चल रहा है। कैटलॉग में जाएंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ भी नहीं है, फाउंटेन भी ठीक ठाक चल रहा है। चलो इसके ऊपर क्लिक करके एक बार देखते हैं, प्राइवेसी एंड कुकीज ठीक ठाक चल रहा है सभी। ओके ओके ओके, सब कुछ ही हम लोग का यहाँ पर ठीक ठाक चल रहा है। ओके, टाटा बाय बाय, स्टे होम।